23 मार्च भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव तिन्हां नूं फांसी की सज़ा दिती गई। असी सारे इस दिन ते उन्हां नूं श्रद्धांजलियां देंदे हां, दिलों अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करदे हां, पर की असी ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हां दी जिंदगी विच किस तरह की सोच नाल अगे वधदे सी, किस तरह की सोच नाल समाज नूं अगे वधाउणा चाहुंदे सी। जेकर असी गल करिए शहीद भगत सिंह जी की, तो उन्हां दा नाम लैंदे ही कुछ चीज़ां ऑटोमैटिकली दिमाग में आने लग दी हैं कि भगत सिंह एक सोच, एक बदलाव, एक क्रांति। जी हाँ, जिथे उन्हां दा नाम गर्मजोशी साढ़े दिलों में भर देता है, तो नाल दी नाल दूसरे पासे वो बहुत ही चीज़ां नूं स्टडी करते सी, जानते सी तो कि यह चीज़ किवें है, किवें इसनों अगे किवें ना चीज़ों बदलाव किया जा सकता है, समाज में लैके बहुत ज़्यादा संवेदनशील सके। सो अज के समय में जिहड़ा भी यूथ साडा कहिंदा कि असी भगत सिंह दे फैन आ, तो की सिर्फ जिम्मेवारी उत्थे तक ही निपट जाती है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के उपर असी भगत सिंह की DP लगा देने आ, या फिर असी पीलियां पग्गां बन लैने आ, या फिर असी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा देने आ। कि जरूरी नहीं है कि असी भगत सिंह की सोच नूं समझिए कि वह समाज नूं किस तरह के समाज में देखना चाहते सी, कि जिस तरह का उन्होंने सुपना वेख्या सी अज हकीकत विच अजिहा कुछ हो भी रहा कि नहीं हो रहा, कि साडा नौजवान कोशिश करके ओह जिहा समाज बना सकता है कि नहीं बना सकता। सो अज दी इस पोस्ट विच आपां इही गल करांगे कि किस तरह की सोच के उपर चलते सी भगत सिंह, क्योंकि असी जिथे तक भी चीज़ां वेखदे हां क्रांतिकारी तो भावें ओह सन, पर समाज नूं लैके संवेदनशील सीगे। नीचला वर्ग जिसके मजदूर आएंगे, किसान आ जाते हैं, फैक्ट्रिया काम करने वाले वर्कर आते, उन्होंने दुख को लैके वो काफ़ी संवेदनशील सी, उन्होंने जीवन पद्धर उच्चा चकना चाहते सी, ते नाल दी नाल सरकार अते धर्म इन्हां चीज़ां दे विच दूरी बनाने दी गल्लां करते सी। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ पंजाब या भारत नहीं, पूरी दुनिया के आपसी प्यार दी वी गल्लां करते सी। सो वेखदे आ इस पोस्ट विच ते थोड़ा साझा करते हैं कि किस तरह की सोच के नाल भगत सिंह अगे वधदे सीगे ते किस तरह के समाज का वो सुपना वेखदे सी। इस पोस्ट के जरिए जो भी भगत सिंह का नाम सुनिया जाता है तो एक गर्मजोशी जहन में आती है, इनकलाब की भावना जागती है। पर कि तुसी जानते हो कि उन्होंने दोस्तों अते करीबियां दा ही कहना सी कि भगत सिंह जो भी मिलते कोई ना कोई किताब उन्होंने हाथ विच हुंदी ही हुंदी सी। भगत सिंह ने ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन अते रशियन लिटरेचर की विस्थार नाल पढ़ाई की सी। कुछ जानकारी यह भी मिलती है कि भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी तो पहला तक ही 250 तो वध किताबां पढ़ लईयां सन। 2 सालों के जेल के समय दौरान भी भगत सिंह ने 300 तो वध किताबां पढ़िया सी। सिर्फ पढ़न का ही नहीं, भगत सिंह नूं लिखन का भी बहुत शौक सी। कई मैगजीना विच उन्हां दे आर्टिकल छपदे भी सी। कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन अते प्रताप कुछ अजिहे मैगजीन सी जिस विच अक्सर उन्हां दे आर्टिकल छपदे सी। अज जो यूथ सिर्फ भगत सिंह नूं उन्हां दी लुक तो पहचानदा है, सिर्फ भगत सिंह वर्गी पग बन के या बंदूक दिखा के या सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद दा नारा लगा के ही तुसी भगत सिंह नहीं बन जाओगे। भगत सिंह वर्गी सोच ते सूझबूझ भी होनी बहुत जरूरी है। भगत सिंह दी खुद दी कही गल जो अज दे नौजवानां नूं जरूर समझनी चाहीदी है, बंब अते पिस्तौल नाल क्रांति नहीं आउंदी, क्रांति दी तलवार विचारां नाल तेज हुंदी है। पर तुसी खुद दसो कि अज दे समय विच किन्ने कु लोग विचारां दी गल करदे ने। भगत सिंह समाज प्रति बहुत संवेदनशील सी। कार्ल मार्क्स, लेनिन अते होर भी समाज नाल जुड़ी वक्री सोच रखण वालियां तों काफ़ी प्रभावित सन। उस समय विच किसानां, मजदूरां ते फैक्ट्री विच काम करन वालियां नाल जिवें दा वर्ताव कीता जांदा सी, भगत सिंह ओह सब वेख के काफ़ी दुखी हुंदे सी। समाज दे निचले वर्ग लई लड़ना चाहुंदे सी ओह। जिथे एक पासे फ्रीडम फाइटर उस वेले सिर्फ देश दी आज़ादी बारे सोच रहे सी, उत्थे उस समय भी भगत सिंह किसानां अते मजदूरां बारे भी सोचदे सी। भगत सिंह दा मनना सी कि किसान ते मजदूर जो अपनी दिहाड़ी नाल अपने परिवार दा पेट भरदा है, उसनों फर्क नहीं पैंदा उसके उपर कोई विदेशी बैठा है या भारती। फर्क पैंदा है तो सिर्फ इस गल दा कि कौन उनानू उना दा हक दिंदा है। भगत सिंह ने अपनी पार्टी बनाई सी जिसका पहला नाम सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन, पर फिर चंद्रशेखर आजाद अते भगत सिंह ने पार्टी दे नाम विच सोशलिस्ट भी जोड़ दिता अते पार्टी दा नाम हो गया सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीएशन। भगत सिंह की विचारधारा उन्होंने नारियां विच भी सी। जब असेंबली विच बम सुट्टे गए सी तां भगत सिंह अते बटुकेश्वर दत्त ने 3 नारे लगाए सी।
इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, डाउन विद इंपीरियलिज्म। भगत सिंह का समाज प्रति चुका अते प्यार सिर्फ पंजाब या अपने देश ले ही नहीं सी, बल्कि पूरी दुनिया प्रति सी। उन्हां दा एक आर्टिकल 1924 विच कलकत्ता दी एक मैगजीन विच छपिया, आर्टिकल सी विश्व प्रेम यूनिवर्सल लव। इस आर्टिकल विच भी भगत सिंह ने लिखिया कि हर किसी नू अपना हो जान दो, कोई भी अजनबी ना होवे। ओ किन्ना सोहना समा होवेगा जदों दुनिया तो परायपन दा एहसास हमेशा ले खत्म हो जाएगा। उस दिन जदों ये आदर्श स्थापित होणगे, उस दिन कहा जा सकेगा कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई नू छू लिया है। 1927 विच भगत सिंह दे एक आर्टिकल रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन विच ओ लिखदे सी कि दुनिया दे सारे गरीब लोग जिस भी जाति, नस्ल, धर्म या देश दे होण, सारा दे इक्को जिहे अधिकार ने। ए तुहाडे ही फायदे विच है कि धर्म, रंग, नस्ल अते राष्ट्रीयता नू लेके भेदभाव बंद हो सके अते सरकार दी पावर तुहाडे हत्थां विच होवे। भगत सिंह की एक होर सोच सैकुलरिज्म एंड एथिज्म, जिथे एक पासे महात्मा गांधी की सैकुलरिज्म नू लेके सोच सी कि जिथे सरकार धर्म नू प्रमोट ता करेगी पर धर्म निरपक्षता भी दिखाएगी, किसी भी धर्म नू लेके निरपक्ष सोच रखेगी। तो दूजे पासे भगत सिंह सैकुलरिज्म दे फ्रेंच वर्जन नू मानदे सी, मतलब सरकार अते धर्म विच हमेशा दूरी रहनी चाहिदी है। सैकुलरिज्म दी इसे परिभाषा ते चलदे होए भगत सिंह अते भगवती चरण वोहरा ने नौजवान भारत सभा दा मैनीफेस्टो भी लिखिया सी। उन्हां लिखिया सी कि असी भारती हाँ, असी कर की रहे हां, पिप्पल दी इक टहिणी कट जांदी है तां हिंदुआं दी धार्मिक भावनावां नूं ठेस लग जांदी है, कागज़ दी मूर्ति ताजिया दा इक कोना टुट जांदा है तां अल्लाह नूं गुस्सा आ जांदा है, इंसान की कीमत जानवरों तो ज़्यादा होनी चाहिए है, अते फिर भी इत्थे भारत विच लोग पवित्र जानवरों के नाते एक दूजे का सिर पान देंदे ने। जून 1927 विच कीर्ति मैगजीन विच भगत सिंह का एक आर्टिकल छपिया रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशंस, जिस विच भगत सिंह ने समाज की सच्चाई लिखी कि लोगों नू आपस विच लड़न तो रोकना है तो उन्हां नू अमीर गरीब का एहसास दवाना होएगा, गरीब मजदूरां अते किसानां नू ए समझाना होएगा कि उन्हां दे असली दुश्मन पूंजीवादी ने। किसी भी समाज विच बदला ताही आंदा है जेकर नौजवान कोशिश करे, उस बदला नू लिआउण दे लई तैयारी करे। भगत सिंह बहुत जानकारी इकट्ठी करदे सन, कईआं नू पढ़दे सी, बहुत कुछ लिखदे सी, ते उन्हां दा लिखिआ होइआ जेकर असीं अज पढ़ीए, पढ़ना बहुत जरूरी हुंदा है, जेकर उन्हां दा लिखिआ होइआ साडा यूथ पढ़दा तो उन्हां नू इक नवीं सेध जरूर मिलेगी। ते सिर्फ फोकियां गल्लां दे नाल ही नहीं, वाकई तुसीं कह सकोगे कि असीं भगत सिंह दे फैन हाँ, तो वह फैन तुसीं तां ही होवोगे जेकर उन्हां दी सोच नू, उन्हां दे फलसफे नू समझ सकोगे। उम्मीद करदे हाँ कि इस पोस्ट दे जरिए भी तुहानू काफ़ी कुछ समझण नू मिलिया होएगा। निरपक्ष पोस्ट दी पूरी टीम वल्लों भगत सिंह, राजगुरु अते सुखदेव तिन्हां शहीदां दी श्रद्धांजलि नू श्रद्धा दे फुल भेंट करदे हाँ। धन्यवाद। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव तिन्हां नू फांसी दी सज़ा दित्ती गई। असी सारे इस दिन ते उन्हां नू श्रद्धांजलियां देंदे हां, दिलों अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करदे हां, पर की असी ये जानने की कोशिश करदे हां कि उन्हां दी जिंदगी विच किस तरह की सोच नाल अगे वधदे सी, किस तरह की सोच नाल समाज नू अगे वधाउणा चाहुंदे सी। जेकर असी गल करिए शहीद भगत सिंह जी दी, तां उन्हां दा नाम लैंदे ही कुछ चीज़ां ऑटोमैटिकली दिमाग विच आउण लगदियां कि भगत सिंह एक सोच, एक बदलाव, एक क्रांति। जी हाँ, जिथे उन्हां दा नाम गर्मजोशी साडे दिलां विच भर दिंदा है, तां नाल दी नाल दूसरे पासे वह बहुत ही चीज़ां नू स्टडी करदे सी, जानदे सी तो कि यह चीज़ कीवें है, कीवें इस नू अगे कीवें ना चीज़ां च बदला कीता जा सकदा है, समाज नू लैके बहुत ज़्यादा संवेदनशील सीगे। सो अज दे समय विच जिहड़े भी लोग, जिहड़ा भी यूथ साडा कहिंदा है कि असी भगत सिंह दे फैन आ, तां की सिर्फ जिम्मेवारी उत्थे तक ही निपट जाती है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के उपर असी भगत सिंह की DP लगा दें, या फिर असी पीलियां पग्गां बन लें, या फिर असी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दें? कि जरूरी नहीं है कि असी भगत सिंह की सोच नू समझिए कि वह समाज नू किस तरह के समाज विच देखना चाहते सी, कि जिस तरह का उन्होंने सुपना वेख्या सी अज हकीकत विच अजिहा कुछ हो भी रहा कि नहीं हो रहा, कि साडा नौजवान कोशिश करके ओह जिहा समाज बना सकदा है कि नहीं बना सकदा। सो अज दी इस पोस्ट विच आपां इही गल करांगे कि किस तरह की सोच के उपर चलदे सी भगत सिंह,
क्योंकि असी जिथे तक भी चीज़ां वेखदे आ क्रांतिकारी तो भावे सन पर समाज नूं लैके संवेदनशील सीगे। नीचला वर्ग जिसके मजदूर आएंगे किसान आ जाते हैं फैक्ट्रिया काम करने वाले वर्कर आते उन्होंने दुख को लैके वो काफ़ी संवेदनशील से उन्होंने जीवन पद्धर उच्चा चकना चाहते सी ते नाल दी नाल सरकार अते धर्म इन्हां चीज़ां दे विच दूरी बनाउण दीआं गल्लां उह करदे सी। सिर्फ यही नहीं सिर्फ पंजाब या भारत नहीं पूरी दुनिया के आपसी प्यार दी वी गल्लां करदे सी। सो वेखदे आ इस पोस्ट विच ते थोड़ा सांझा करदे आ कि किस तरह की सोच दे नाल भगत सिंह अगे वधदे सीगे ते किस तरह के समाज का वह सुपना वेखदे सी। इस पोस्ट दे जरिए जदों भी भगत सिंह दा नाम सुनिया जांदा है ते एक गर्म जोशी ज़हन विच आउंदी है इनकलाब दी भावना जागदी है। पर की तुसी जानते हो कि उन्हां दे दोस्तां अते करीबियां दा ही कहना सी कि भगत सिंह जदों भी मिलदे कोई ना कोई किताब उन्हां दे हाथ विच हुंदी ही हुंदी सी। भगत सिंह ने ब्रिटिश यूरोपियन अमेरिकन अते रशियन लिटरेचर दी विस्तार नाल पढ़ाई कीती सी। कुछ जानकारी यह भी मिलती है कि भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी तो पहला तक ही 250 तो वध किताबां पढ़ लईयां सन। 2 सालों के जेल के समय दौरान भी भगत सिंह ने 300 तो वध किताबां पढ़ियां सी। सिर्फ पढ़न का ही नहीं भगत सिंह नूं लिखण का भी बहुत शौक सी। कई मैगजीना विच उन्हां दे आर्टिकल छपदे भी सी। कीर्ति अकाली वीर अर्जुन अते प्रताप कुछ अजिहे मैगजीन सी जिस विच अक्सर उन्हां दे आर्टिकल छपदे सी। अज जो यूथ सिर्फ भगत सिंह नूं उन्हां दी लुक तो पहचानदा है सिर्फ भगत सिंह वर्गी पग बन के या बंदूक दिखा के या सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद दा नारा लगा के ही तुसीं भगत सिंह नहीं बन जाओगे। भगत सिंह वर्गी सोच ते सूझबूझ भी होनी बहुत जरूरी है। भगत सिंह दी खुद दी कही गल जो अज दे नौजवानां नूं जरूर समझनी चाहीदी है बंब अते पिस्तौल नाल क्रांति नहीं आउंदी क्रांति दी तलवार विचारां नाल तेज हुंदी है। पर तुसीं खुद दसो कि अज दे समें विच किन्ने कु लोग विचारां दी गल करदे ने। भगत सिंह समाज प्रति बहुत संवेदनशील सी। कार्ल मार्क्स लेनिन अते होर भी समाज नाल जुड़ी वक्री सोच रखण वालियां तो काफ़ी प्रभावित सन। उस समय विच किसानां मजदूरां ते फैक्ट्री विच काम करन वालियां नाल जिवें दा वर्ताव कीता जांदा सी भगत सिंह ओह सब वेख के काफ़ी दुखी हुंदे सी। समाज दे निचले वर्ग लई लड़ना चाहुंदे सी ओह। जिथे एक पासे फ्रीडम फाइटर उस वेले सिर्फ देश दी आज़ादी बारे सोच रहे सी उत्थे उस समय भी भगत सिंह किसानां अते मजदूरां बारे भी सोचदे सी। भगत सिंह दा मनना सी कि किसान ते मजदूर जो अपनी दिहाड़ी नाल अपने परिवार दा पेट भरदा है उसनू फर्क नहीं पैंदा उसके उपर कोई विदेशी बैठा है या भारती। फर्क पैंदा है ता सिर्फ इस गल दा कि कौन उनानू उना दा हक दिंदा है। भगत सिंह ने अपनी पार्टी बनाई सी जिसका पहला नाम सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन। पर फिर चंद्रशेखर आजाद अते भगत सिंह ने पार्टी के नाम विच सोशलिस्ट भी जोड़ दिता अते पार्टी का नाम हो गया सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीएशन। भगत सिंह की विचारधारा उन्हां दे नारियां विच भी सी। जद असैंबली विच बंब सुट्टे गए सी तां भगत सिंह अते बटुकेश्वर दत्त ने 3 नारे लगाए सी इनकलाब जिंदाबाद वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट डाउन विद इंपीरियलिज्म। भगत सिंह दा समाज प्रति झुका अते प्यार सिर्फ पंजाब या अपने देश लई ही नहीं सी बल्कि पूरी दुनिया प्रति सी। उन्हां दा एक आर्टिकल 1924 विच कलकत्ता दी एक मैगजीन विच छपिया आर्टिकल सी विश्व प्रेम यूनिवर्सल लव। इस आर्टिकल विच भी भगत सिंह ने लिखिया कि हर किसी नूं अपना हो जान दो कोई भी अजनबी ना होवे। ओ किन्ना सोहना समा होवेगा जदों दुनिया तो परायपन दा एहसास हमेशा लई खत्म हो जाएगा। उस दिन जदों ये आदर्श स्थापित होणगे उस दिन कहा जा सकेगा कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई नूं छू लिया है। 1927 विच भगत सिंह दे एक आर्टिकल रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशन विच ओ लिखदे सी कि दुनिया दे सारे गरीब लोग जिस भी जाति नसल धर्म या देश दे होण सारयां दे इक्को जिहे अधिकार ने। ये तुहाडे ही फायदे विच है कि धर्म रंग नसल अते राष्ट्रीयता नूं लै के भेदभाव बंद हो सके अते सरकार दी पावर तुहाडे हत्थां विच होवे। भगत सिंह की एक होर सोच सैकुलरिज्म एंड एथिज्म जिथे एक पासे महात्मा गांधी की सैकुलरिज्म नू लेके सोच सी कि जिथे सरकार धर्म नू प्रमोट ता करेगी पर धर्म निरपक्षता भी दिखाएगी किसी भी धर्म नू लेके निरपक्ष सोच रखेगी। तो दूजे पासे भगत सिंह सैकुलरिज्म दे फ्रेंच वर्जन नू मानदे सी मतलब
सरकार अते धर्म विच हमेशा दूरी रहनी चाहिदी है। सैकुलरिज्म दी इसे परिभाषा ते चलदे होए भगत सिंह अते भगवती चरण वोहरा ने नौजवान भारत सभा दा मैनीफेस्टो भी लिखिया सी। उन्हां लिखिया सी कि असी भारती हाँ, असी कर की रहे हाँ, पिप्पल दी कटैणी कट जांदी है तां हिंदुआं दी धार्मिक भावनावां नूं ठेस लग जांदी है, कागज़ दी मूर्ति ताजिया दा इक कोना टुट जांदा है तां अल्लाह नूं गुस्सा आ जांदा है, इंसान दी कीमत जानवरां तों तां ज़्यादा होनी चाहीदी है अते फिर भी इत्थे भारत विच लोक पवित्र जानवरां दे नां ते इक दूजे दा सिर पान दिंदे ने। जून 1927 विच किरती मैगजीन विच भगत सिंह दा इक आर्टिकल छपिया रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशंस, जिस विच भगत सिंह ने समाज दी सच्चाई लिखी के लोकां नूं आपस विच लड़न तों रोकना है तां उहनां नूं अमीर गरीब दा अहसास दिवाउणा होएगा, गरीब मजदूरां अते किसानां नूं इह समझाउणा होएगा कि उहनां दे असली दुश्मन पूंजीवादी ने। किसी भी समाज विच बदलाव तां ही आंदा है जेकर नौजवान कोशिश करे, उस बदलाव नूं लिआउण दे लई तैयारी करे। भगत सिंह बहुत जानकारी इकट्ठी करदे सन, कईयां नूं पढ़दे सी, बहुत कुछ लिखदे सी, ते उहनां दा लिखिया होया जेकर असीं अज पढ़ीए, पढ़ना बहुत जरूरी हुंदा है, जेकर उहनां दा लिखिया होया साडा यूथ पढ़दा है तां उहनां नूं इक नवीं सेध जरूर मिलेगी। ते सिर्फ फोकियां गल्लां दे नाल ही नहीं, वाकई तुसीं कह सकोगे कि असीं भगत सिंह दे फैन हाँ, ते उह फैन तुसीं तां ही होवोगे जेकर उहनां दी सोच नूं, उहनां दे फलसफे नूं समझ सकोगे। उम्मीद करते हैं कि इस पोस्ट के जरिए भी तुहानूं काफ़ी कुछ समझण नूं मिलिया होएगा। निरपक्ष पोस्ट की पूरी टीम वालों भगत सिंह, राजगुरु अते सुखदेव तिन्हां शहीदां की श्रद्धांजलि नूं श्रद्धा दे फुल भेंट करते हैं। धन्यवाद। पंजाब अते पंजाबीयत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते, अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट, खबर दी निरपक्ष आवाज। विजिट करो www.nirpakhpost.com।